हे hey, नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरजे टेक्निक्स पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसकी मदद से आप अपने फोन के स्क्रीनशॉट को 3D लुक दे पाएगा। जी हाँ फ्रेंड, ये यूट्यूबर्स के लिए काफी यूजफुल होगा थंबनेल बनाने के लिए। अगर आप यूट्यूबर नहीं है तो भी आपके लिए ये काफी यूजफुल होगा। आप अपने फोटो वगैरह को जो है एक मोबाइल फ्रेम में 3D लुक दे पाएगा और अपने फेसबुक में पोस्ट कर पाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपको काफी मजेदार ये एप्लीकेशन है और काफी अच्छा लगेगा ये एप्लीकेशन। आप एक बार इस एप्लीकेशन को यूज करके जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे इस एप्लीकेशन को जो है यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो कि मैं नए अपडेट करूंगा। तो हमेशा की तरह आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर पर आना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको सर्च करना है स्क्रीनर बेटर स्क्रीनशॉट। जी हाँ, स्क्रीनर बेटर स्क्रीनशॉट आप सर्च करेंगे तो पहला नंबर जो एप्लीकेशन आता है आपको सिंपली उसे इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए 100,000 डाउनलोड हुए हैं, काफी नया एप्लीकेशन है, 4.2 की रेटिंग आउट ऑफ 5 जो काफी अच्छी मानी जाती है। तो मैं सिंपली इसे ओपन कर लेता हूँ। अगर आप पहली बार ओपन करेंगे तो अलाउ मांगेगा कुछ, तो आप सिंपली उसे अलाउ दे दीजिएगा। देने के बाद आपका जो है एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे फोन जो है मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे फोन आपको मिल जाएंगे, जो जो कंपनी के मतलब पॉपुलर कंपनी के फोन है वो सारे आपको फ्रेम मिल जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर साइड में आपको जो है वॉच फ्रेम भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप वॉच फ्रेम भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करने के लिए इस पर टैप करना पड़ेगा और यहाँ देखिए ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप जो है वॉच या फिर फोन के जो है फ्रेम डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं जो 3D के बारे में, तो आपको सिंपली यहाँ पर फ्लैट के साइड में देखिए तीन लाइन दिखा दे रहा हो, आप उस पर टैप कीजिएगा, यहाँ पर देखिए आपको 3D मिल जाएगा। तो अब आप 3D में क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर जो है 3D आपको खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है 3D खुल चुका है। तो यहाँ पर मैंने जो है नेक्सस 5 का जो है 3D एक डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसे ओपन कर लूँ। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको जो है टैब ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस का आइकॉन बीच में दिखाई दे रहा है। आप अगर फ्लैट में भी करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है फ्रेंड, अगर वॉच में भी करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है जो मैं यहाँ पर 3D में दिखाऊंगा। जी हाँ फ्रेंड, सभी में सेम प्रोसेस है, आप सभी में जाकर एक ही तरह से प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते यहाँ पर गैलरी परमिशन मांगता है या फिर एक्सप्लोर का परमिशन मांगता है। आप गैलरी में चल जाएगा, जाने के बाद आप अपना स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिएगा, जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आप कोई भी फोटो ले सकते हैं। उसके बाद लेने के बाद आपको यहाँ पर देखिए आपका जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं काफी कूल लग रहा है 3D में। अब यहाँ पर अगर ब्राइटनेस इसका बढ़ाना चाहते हैं, यानी ब्राइटनेस यानी थोड़ा लाइट वगैरह देना चाहते हैं तो इस पर दे सकते हैं। नीचे की तरफ में देखिए आपको ब्राइटनेस का एक ऑप्शन मिलता है, अब आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही देखिएगा यहाँ पर जो है चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका लाइट शेडो आ गया है। जी हाँ फ्रेंड, लाइट शेडो आ गया। अब अगर इसे शेडो इफेक्ट देना चाहते हैं, यहाँ शेडो इफेक्ट देना चाहते हैं तो लाइट के बगल में ही देखिए आपको शेडो इफेक्ट मिल जाएगा। आप उस पर टैप कर लीजिएगा। टैप करते ही यहाँ पर देखिए आपको नीचे की तरफ में शैडो इफेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ में आपको शैडो इफेक्ट मिल गया है। साथ साथ आप अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं या फिर आप बैकग्राउंड नन रखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का एरो दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ में, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए आपको बैकग्राउंड चूज करने का ऑप्शन मिलता है, साथ साथ बैकग्राउंड ब्लर करने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिलता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो चुका है। अब अगर आप बैकग्राउंड में फोटो लगाना चाहते हैं कोई, यानी सेम तरह का फोटो लगाना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा फोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको क्रॉप का एक ऑप्शन मिलता है, आप सिंपली उस पर टैप करना है। टैप करते गैलरी ओपन हो जाएगा, आप सिंपली गैलरी में जाकर यहाँ से जो आप फोटो लेना चाहते हैं उसे ले लीजिएगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर लीजिए। करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखिए जो ये बैकग्राउंड में लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में लग चुका है। अब आप अगर इसे ब्लर करना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्लर का इफेक्ट दिया हुआ है बीचों बीच, देख सकते हैं आप इस पर टैप कीजिए। टैप कर दिया आपको जो है ब्लर का इफेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ से जो है अप डाउन करके जो है ब्लर कर सकते हैं, आप जितना ब्लर करना चाहते हैं उतना ब्लर कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली नील डॉट पर क्लिक करके बैक करना है। अब अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ में देखिए आपको एक एरो साइन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर देखिए सेव और शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं और शेयर करना चाहते हैं तो शेयर पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिएगा आपका जो है शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। आप जहाँ पर शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह, स्क्रीनशॉट, मैसेंजर, जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहते हैं यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से जो है सेव कर सकते हैं।
तो काफी अच्छा एप्लीकेशन है ये, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आप एक यूट्यूबर है तो आप इसका इस्तेमाल जो है थंबनेल बनाने में कर सकते हैं और आपका थंबनेल जो है काफी कूल लगेगा। तो आशा करते हैं आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोज लाता रहूंगा। तो प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आरजे टेक्निकल्स।